नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए अलीगढ़ का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। रविवार की शाम उनके पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ शहर के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम लाया गया तो पूरा माहौल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। साथ ही जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी का नाम रहेगा जैसे नारे भी लगाए गए। बता दें आज सुबह 10 बजे स्टेडियम से ही बाबूजी की अंतिम यात्रा उनके पैतृक गांव मंडोली अतरोली पहुंची और यहां पर करीब एक घंटे के लिए जनता दर्शन को उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। और इसके बाद बता दें अंतिम संस्कार के लिए बुलंदशहर में गंगा नदी के किनारे नरोरा घाट पर ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि नरोरा घाट ले जाते समय 50 से ज्यादा स्थानों पर पुष्प वर्षा कर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राम भक्त आज एक प्रखर राष्ट्रभक्त और राम भक्त के भौतिक रूप से अवसान पर शोकाकुल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी हमारे बीच में आज नहीं हैं। आज उनका पार्थिव शरीर उनके कर्म भूमि और जन्मभूमि जनपद अलीगढ़ में आई है और यहाँ पर उनके समर्थकों और अनुयायियों का अपने दिवंगत नेता के प्रति 6 दशकों से जो लगाव है उस का एक दर्शन यहाँ पर हम सबको देखने को मिला है। अलीगढ़ जनपद से सरदेव कल्याण सिंह जी का लगभग 9 दशक का संबंध रहा है और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जनपद अलीगढ़ में लगभग 7 दशक व्यतीत किए। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लोकेश कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लोकेश, हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी जो शव यात्रा है वो वहां से निकलेगी, जैसे ही यहां पर शव यात्रा पहुंचेगी तो ये देखने वाला एक दृश्य है कि जिस तरह से आपने अभी कहा हजारों की संख्या में इसको नहीं, हम लाखों की संख्या में इसको बता सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो उनके चाहने वाले हैं वो लोग उनकी शव यात्रा के साथ चल रहे हैं और जो तैयारियां हैं वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चाहे VIP की सुरक्षा को लेकर की जाए या जो अंतिम संस्कार किया जाएगा उनकी उसकी तैयारी की जाए, वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि जो संस्कार होगा वो 25 किलो चंदन की लकड़ियों से किया जाएगा। जो पूरा रीति रिवाज है, उनके जो घर के पुरोहित हैं जो शुरू से उनके घर में पूजा पाठ करते थे वो 11 पुरोहित वो इस अंतिम संस्कार को कराएंगे। जी लोकेश, ये भी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो हैं वो अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, कौन कौन पहुंच सकता है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो उम्मीद लगाई जा रही है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी उम्मीद लगाई जा रही है और राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं उनकी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। जी
जी चलिए लोकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, अंतिम दर्शन के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और ऐसे में अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए कल्याण सिंह को लाखों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से भारी मात्रा में लोग मौजूद हैं और हर कोई बस एक अंतिम दर्शन करना चाहता है कल्याण सिंह का। और बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता भी अलीगढ़ पहुँच चुके हैं, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो, राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं, अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। और ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। कल्याण सिंह अब नहीं रहे, लेकिन उनके साथ जुड़ी तमाम कहानियां लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं की यादों में बनी रहेंगी। इसमें सबसे दिलचस्प कहानी है कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने की। दरअसल बहुत कम लोगों को पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी के इनकार के बाद ही कल्याण सिंह का नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे किया गया था, वरना बीजेपी नेतृत्व की देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अपने पहले मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद पार्टी के सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने बलबूते पर बनी थी। केंद्र में कांग्रेस ने हरसिंह राव को प्रधानमंत्री बना दिया था। ये राम मंदिर आंदोलन के चरमोत्सव का दौर था। चुनाव से कुछ महीने पहले ही अयोध्या में विवादित स्थल पर जमा कार सेवकों को नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसमें कई कार सेवक मारे गए और घायल हुए थे। माहौल बेहद ही गर्म और उत्तेजनात्मक था। ऐसे माहौल में बीजेपी को विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत मिली थी। पार्टी और पूरे संघ परिवार के लिए देश के सबसे बड़े राज्य आजादी के बाद अपनी सरकार बनाना भावी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसीलिए बीजेपी इस सफलता को किसी के हाथों में सौंपना नहीं चाहती थी और इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी से बेहतर कोई दूसरा नाम नहीं था। बीजेपी के एक प्रमुख नेता बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेतृत्व और बीजेपी नेतृत्व के बीच तय हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत प्रधानमंत्री के बाद दूसरी मानी जाती रही है और केंद्र में कांग्रेस के दक्षिण भारत के एक विद्वान और वरिष्ठ ब्राह्मण नेता को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए उनके मुकाबले के लिए वैसा ही वरिष्ठ और परिपक्व ब्राह्मण नेता बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। इसीलिए वाजपेयी के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन वाजपेयी ने केंद्रीय राजनीति छोड़कर प्रदेश की राजनीति में जाकर सरकार चलाने में अनिच्छा जाहिर की थी। सूत्रों का ये भी कहना है कि वाजपेयी ने सीधे तौर पर मना करने की बजाय शर्त रख दी थी, वो तभी ये जिम्मेदारी संभालेंगे अगर संघ नेतृत्व वचन दे कि अगले 4 साल तक मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा और उन्हें निर्बाध काम करने दिया जाएगा। ये शर्त संघ और विहिप को कतई भी मंजूर नहीं थी और अटल बिहारी ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि इसके बाद दूसरे नाम पर विचार शुरू हुआ और तब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया, क्योंकि जोशी उत्तराखंड जो तब तक उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था के मूल निवासी हैं और इलाहाबाद उनकी कर्म भूमि रही है। उनकी विविधता और ज्ञान असंदिग्ध है। वो ब्राह्मण होने के साथ साथ मंदिर आंदोलन का एक बड़ा चेहरा भी थे और धर्म संस्कृति पर उनकी पकड़ निर्वाधित थी। लेकिन डॉक्टर जोशी कुछ महीने पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके जाने से संदेश जाएगा कि पार्टी के पास प्रदेश में कोई नेता ही नहीं है, इसीलिए अपने अध्यक्ष को ही भेज दिया। इसके बाद प्रदेश नेताओं के नाम पर मंथन शुरू हुआ और तब मंडलवादी राजनीति के मुकाबले के लिए डॉक्टर जोशी ने कहा कि कल्याण सिंह के नाम का प्रस्ताव दिया। कल्याण सिंह इसके पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी थे और उन्हें डॉक्टर जोशी का आशीर्वाद था। ये वही दौर था जब भाजपा ने अपने सोशल इंजीनियरिंग के सिद्धांत के तहत पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाना शुरू किया था।
इसको देखते हुए जोशी की सलाह को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी मंजूर कर लिया और संघ नेतृत्व भी राजी हो गया। इसके बाद ही कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहली सरकार के मुख्यमंत्री बने थे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटने के वक्त कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और अपनी सरकार गिरने के बाद उन्होंने उसकी जिम्मेदारी लेते हुए सुप्रीम कोर्ट तक में यही कहा कि इस घटना के लिए वो अकेले जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके करीबी रहे कुछ अधिकारियों की अगर माने तो वो नहीं चाहते थे कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान हो। 4 दिसंबर 1992 को जब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह लखनऊ आकर उनसे मिले तो कल्याण सिंह ने उन्हें भरोसा दिया था कि अयोध्या में ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा जिससे देश के संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादा भंग हो, लेकिन जिस तरह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संगठन अयोध्या में कार सेवक को लेकर उग्र थे, उससे कल्याण सिंह को आशंका थी कि कहीं न कहीं राम मंदिर से ज्यादा उनकी सरकार गिरवाने का भी कोई षड्यंत्र था। बीजेपी और संघ परिवार की यथास्थिति वादी सवर्ण लॉबी कर रही है, क्योंकि उसे देश के सबसे बड़े राज्य में एक पिछड़ा मुख्यमंत्री सहन नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी ये आशंका अपने कुछ बेहद ही करीबी लोगों से साझा भी की थी और बीजेपी छोड़ने के बाद वो खुद इस बात को कहा करते थे। बीजेपी छोड़ने के बाद वो जब मुलायम सिंह यादव के साथ आए तो अक्सर अयोध्या मुद्दे पर अपने बचाव में यही तर्क देते थे कि उन्हें अंधेरे में रखकर अयोध्या की घटना हुई, लेकिन बाद में जब बीजेपी में उनका पुनर्वास हो गया तो वो इस मुद्दे पर खामोश हो गए। कल्याण सिंह पर पार्टी के भीतर पिछड़े वर्गों को जरूरत से ज्यादा तरजीह देने का भी आरोप लगा था। दिलचस्प है कि बीजेपी के तत्कालीन सवर्ण नेताओं ने तो हमेशा कल्याण सिंह को निशाने पर लिया ही और कई पिछड़े नेता भी उनके बढ़ते कद को सहन नहीं कर पाते थे। इनमें से कुछ ने तो केंद्रीय नेतृत्व से यहाँ तक दुहाई दी कि आखिर वो भी तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन कल्याण सिंह के मुकाबले उन्हें वो तरजीह क्यों नहीं मिलती जो उन्हें दी जाती है। अगर कल्याण सिंह के पार्टी से बाहर जाने के बाद ऐसे कुछ नेता बीजेपी और सरकार में शीर्ष पदों तक नहीं पहुंचे, लेकिन कल्याण सिंह ने भी कभी भी किसी तरह के विरोध की परवाह नहीं की। मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी राजनीति प्रतिद्वंदिता के बावजूद बेहद ही गहरी दोस्ती भी थी और उसे भी तब बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन बाद में ये सार्वजनिक हो गई। विवादों से भी कल्याण सिंह का काफी नाता रहा है, लेकिन वो कभी विवादों से घबराए नहीं। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का अभियान छेड़ा और कई कुख्यात माफिया सरगना या तो प्रदेश छोड़ गए या फिर जेलों में बंद हो गए। कल्याण सिंह पर योगी सरकार की तरह पुलिस मुठभेड़ों को लेकर काफी विवाद नहीं हुआ, लेकिन उनका पहला कार्यकाल कानून व्यवस्था में सुधार के लिए आज तक लोग याद करते हैं, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में कल्याण कानून व्यवस्था प्रशासन के मामले में वो छाप नहीं छोड़ सके और उनके दौर में कई ऐसे नेता बीजेपी में शामिल हुए या बीजेपी के साथ आए जिनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मुकदमे थे। मायावती के समर्थन वापसी के बाद कल्याण सिंह ने अपनी सरकार कांग्रेस और बसपा को तोड़कर जिस तरह से बचाई थी उससे उत्तर प्रदेश में अपराध को राजनीति संरक्षण का नया अध्याय भी कहा जाता है। पहले बीजेपी के आरोप मुलायम सिंह यादव पर लगाती थी, लेकिन बाद में उसे खुद इस मामले में रक्षात्मक होना पड़ा और जब उसकी सरकार में तमाम दागी नेताओं के साथ एक ऐसे नेता भी मंत्री पद की शपथ ली जिसके खिलाफ एक गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तारी वारंट था। राजभवन में वो जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो वहां बैठे अटल बिहारी वाजपेयी समेत सभी वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के चेहरों पर तनाव साफ देखा जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज सुबह ही दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विमान से 104 लोगों को वापस भारत लाया गया है। ये विमान सुबह 5:10 पर 104 लोगों को लेकर दिल्ली में उतर चुका है। इससे पहले बता दें देर रात दोहा के रास्ते भी 31 लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं कतर एयरवेज के जरिए रात करीब 2 बजे 30 लोग भारत पहुंचे थे और वहीं एयर इंडिया के विमान से भी एक नागरिक के सुबह 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की खबर है।
आपको बता दें कि भारत, अमेरिका, कतर, तजाकिस्तान और कई अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने का अभियान चल रहा है। इससे पहले भी भारत काबुल से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के अपने प्रयासों के तहत 3 उड़ानों के जरिए 2 अफगान सांसदों समेत 392 लोगों को रविवार को देश में वापस ले आया है और पिछले सप्ताह के एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में करीब 400 भारतीय फंसे हो सकते हैं। भारत उन्हें वहां से निकालने का प्रयास लगातार कर रहा है और इसके लिए वो अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ भी समन्वय से काम कर रहा है। तो लगातार काबुल से भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी है और ऐसे में आज सुबह भी एक विमान भारत पहुंचा है। बता दें कतर के रास्ते से भी एक विमान पहुंचा था और आज सुबह जो विमान 5:10 पर दिल्ली में आया है उसमें 104 भारतीय शामिल हैं जो विमान से भारत वापस लौट आए हैं और लगातार अभी भी कई भारतीयों के काबुल में फंसे होने की खबर सामने आ रही है। तो ऐसे में लगातार भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जो है वो काबुल से लगातार जारी है और ऐसे में कई लोग अभी भी फंसे हैं जिनके लिए लगातार भारत सरकार प्रयास कर रही है और अपने मित्र देशों से भी सहायता ले रही है कि किसी भी तरह भारत से में फंसे लोगों को वहां से वापस ले आया जाए। और ऐसे में आज सुबह भी एक विमान आया है जिसमें बता दें 104 लोगों को भारत वापस लाया गया है। कल रात भी एक विमान आया था कतर से और ऐसे में उसमें भी 30 लोग जो हैं भारत के शामिल थे और आज भी 104 लोग जो हैं वो भारत पहुंच चुके हैं। भारत में एक बार फिर से कोविड महामारी का विकराल रूप देखने को मिल सकता है। जी हां, दरअसल नीति आयोग ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। आयोग ने आशंका जताई है कि सितंबर में 4 से 5 लाख कोरोना केस सामने आ सकते हैं और हर बता दें 100 कोरोना मामलों में से 23 मामलों को अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। ऐसे में पहले से ही 2 लाख आईसीयू बेड तैयार रखने की जरूरत है और जानकारी के मुताबिक नीति आयोग ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद बड़ी संख्या में अस्पतालों में कोविड बेड अलग रखने की सिफारिश भी की है। आयोग का कहना है कि खराब हालात से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा और सितंबर तक 2 लाख आईसीयू बेड तैयार किए जाने चाहिए। इसके अलावा 1,20,000 वेंटिलेटर बेड, आईसीयू बेड और 7 लाख ऑक्सीजन वाले बेड और 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड भी होने चाहिए। वहीं नीति आयोग ने इससे पहले सितंबर 2020 में भी कोरोना की दूसरी लहर का अनुमान लगाया था। तब नीति आयोग ने 100 संक्रमितों में से गंभीर कोविड लक्षणों वाले लगभग 20 मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता बताई गई थी, लेकिन इस बार अनुमान पिछली बार से ज्यादा है और ऐसे में नीति आयोग ने जो अनुमान लगाया है कि सितंबर में रोजाना 4 से 5 लाख जो हैं कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं, यानी कि बेहद चिंताजनक ये खबर सामने आई है। नीति आयोग ने जो चिंता जताई है वो हर किसी की चिंता एक बार फिर से बढ़ाने लगी है क्योंकि देश में अब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, रोजाना मामलों में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन जिस तरह से नीति आयोग ने ये चेतावनी दी है और ये चिंता जताई है कि सितंबर के महीने में 3 से 4 लाख जो मामले हैं वो एक दिन में सामने आ सकते हैं, इसीलिए अस्पतालों में व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। यूपी के श्रावस्ती में एक जनसेवा केंद्र में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल चोर शटर का ताला तोड़कर केंद्र में दाखिल हुआ था और नकदी समेत कीमती मोबाइल और अन्य लाखों का सामान लेकर फरार हो गया। वहीं चोरी की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और मामले में दुकान मालिक ने फुटेज के साथ पुलिस चौकी पर तहरीर देकर कार्रवाई की भी मांग की है। बता दें थाना मलहीपुर के जमनहा के बनकर बाजार में स्थित जनसेवा केंद्र था जहां का ये पूरा मामला है, जहां पर चोरों की ये कायराना हरकत सामने आई है। चोरों ने शटर का ताला काट कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। तस्वीर आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में, ये फुटेज कैद हो गई किस तरह से चोर जो हैं बड़े ही आराम से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं दुकान में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें ये पूरी की पूरी घटना जो है कैद हो गई है।
वाराणसी में गुब्बारे में गैस भरने वाला सिलेंडर फटने से दो लोगों की जान चली गई है, जबकि चार लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों में से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा गंगा पार रामनगर की शहीद मजार के पास का है और ऐसे में धमाका इतना जोरदार था कि एक किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज भी सुनाई थी। आपको बता दें कि आदमपुर क्षेत्र निवासी गुब्बारे वाला बीते कई महीनों से सुजाबाद बहादुरपुर के पास स्थित मजार के आसपास सिलेंडर के साथ गुब्बारे बेचने का काम करता था और रविवार की शाम भी वो गुब्बारा बेच रहा था, तभी अचानक तेज आवाज के साथ सिलेंडर फट गया और घटना के बाद गुब्बारा विक्रेता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि हादसे में पांच लोगों को में से 45 वर्षीय गीता देवी की ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां अभी सभी का इलाज चल रहा है। यहाँ पे हुआ है कि जो गैस टंकी जो गुब्बारा भर रहे गैस वाला, वो टंकी फटने की वजह से एक औरत अच्छी थी और जो गेंद फटने वाला था बताओ क्या ये है पता नहीं क्या कितने लोग घायल हुए हैं। देखिए घायल होने में जो गैस वाला था मेन आदमी वो ऑन द स्पॉट मरीज खत्म ही हो गया, उसके ना जान थी बस अच्छी से ले रहा था और एक औरत वहीं पे खड़ी थी उसको शायद कोई अंदरूनी चोट आई हो हॉस्पिटल जाते थे वो भी खत्म हो गई। भारत में कोरोना वायरस के मामले भले ही अब कम हो गए हो पर मामलों में उतार चढ़ाव अभी भी लगातार जारी है। आंकड़ों की बात करें तो देश में रविवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे, जो कि शनिवार के मुकाबले करीब 10% कम है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 403 कोरोना मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। ऐसे में कोविड-19 के कुल एक्टिव केस अब मामलों का जो संख्या है वो 1.09% रह गया है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। ऐसे में भारत में कोरोना सक्रिय मरीज 3,53,390 रह गए हैं, जो 152 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 97.57% तक पहुंच चुका है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2% है और पिछले करीब 2 महीनों में 3% से कम है। ऐसे में डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 1.95% है, जो पिछले 27 दिनों से 3% से कम हुई है। ऐसे में देश में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टेस्ट भी हो चुके हैं, जबकि देश में कोरोना का कुल टीकाकरण 98 करोड़ वैक्सीन डोज तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में बता दें कोरोना के मामले में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और बीते 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकारें काफी सतर्क हैं और वो जानती हैं कि टीकाकरण ही इसका एकमात्र सहारा है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि अब जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं या जिन्हें लगवानी है उनके लिए राज्य में अब अगले हफ्ते यानी कि आज से सरकारी कॉलेजों और अस्पतालों में 2400 घंटे टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा और परिवार कल्याण मंत्री सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्य में 2400 घंटे टीके उपलब्ध कराए जाएंगे, इससे लोग कहीं भी और कभी भी टीके की खुराक ले सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सेवा सोमवार से 37 जिलों के सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएगी और ये सेवा चेन्नई में सोमवार से यानी कि आज से राजीव गांधी सरकारी समन्वय अस्पताल, तमिलनाडु सरकार के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ओमांदुर में मेडिकल कॉलेज और किलपोक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रदान की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि उसी दिन यानी कि आज ही सभी मेडिकल कॉलेज में अस्पतालों में 2400 घंटे और ऐसे में पैरम्बुलर जैसी जगहों पर भी विस्तार किया जाएगा जिनमें मेडिकल कॉलेज नहीं शामिल हैं। सरकार 24 घंटे के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए विज्ञापन भी देगी, जिसमें जनता को सेवा का उपयोग करने की सलाह भी दी जाएगी। किस तरीके से देखते कितना फायदा मिलने वाला है वैक्सीन निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर आ जाएगी और उसका लाभ मिलेगा।
बिजनौर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर लौटकर बाइक सवार दंपत्ति को एक अज्ञात बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार की एक महिला, दो बच्चों सहित तीन की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ऐसे में थाना कीरतपुर के भनेड़ा इलाके में ये हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक थाना शहर कोतवाली इलाके के सवाहेड़ी गांव में रहने वाले सोनू अपनी पत्नी नीतू को लेकर अपनी ससुराल ग्राम मुस्सेपुर रक्षाबंधन मनाने के लिए गया था। वहां से लौटते समय रात करीब 9 बजे जैसे ही सोनू अपनी बाइक से कीरतपुर थाना इलाके के गांव भनेड़ा के पास पहुंचा तो पीछे से आ रही रोडवेज की बस ने सोनू की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सोनू की पत्नी नीतू, 2 वर्षीय बेटी खुशी और 6 महीने के बेटे दक्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी बस चालक हादसे के बाद फरार हो गया। फिलहाल पुलिस बस चालक की तलाश कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।